हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिलाओं की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव जी हैं। अपर्णा जी, आप महिलाओं के लिए हमेशा महिलाओं का मुद्दा उठाती रहती हैं, महिलाओं के लिए हमेशा काम भी करती हैं। अब आपको पद भी मिल गया है महिला उपाध्यक्ष का, क्या काम करेंगी, कैसे? मैं समझती हूँ कि सर्वप्रथम मैं संगठन का और अपने भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हृदय से। और जो है लगातार, मैं आपको पता ही, मैं काम करती आई हूँ, आगे भी काम करती हूँ। और आयोग की कुछ प्रतिबद्धताएं होती हैं, कुछ लीगल फ्रेमवर्क होते हैं, उसके तहत हम महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका निस्तारण कैसे करें, इस पर मेरा फोकस रहेगा। बाकी हम लोग जॉइंट मीटिंग में जो सारे पदाधिकारियों के साथ मीटिंग जब रखेंगे, तब थोड़े सा रोड मैप तैयार होगा कि क्या हम कर सकते हैं। और पार्टी का और जो है सब प्रदेश सरकार का हमें कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होगा, हम ज़रूर अच्छा काम करके दिखाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि शक्ति दे हमें कि अच्छा काम कर सके हम महिलाओं के लिए।